हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैंने अभी 10 बजा है और मैंने मम्मी ने चाय बना दी तो मैंने चाय पी ली। अब मैं खाने जा रही हूँ मेडिसिन। तो गाइस, पता है अब मुझे ना थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, थोड़ा सा मुझे आराम हो रहा है मेरे पैर में। अब मतलब 3-4 दिन जो अभी प्लास्टर होने के बाद में 5 दिन में पैर में जो दर्द हुआ था, उस दर्द से मुझे अब थोड़ा सा आराम मिल रहा है, थोड़ी राहत मिल रही है और काफ़ी पैर भी हमारा ठीक हो रहा है। तो मैंने जो दवाई खाई थी, मेडिसिन ली थी, तो उस मेडिसिन से मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला और मेरा पैर भी अब पहले से थोड़ा सा मुझे लग रहा है, जैसे कि मुझे अब आराम है। वैसे मैं लेटती थी तो मेरे दर्द होता था, बैठने में भी दर्द होता था, सो जाती थी पैर इधर उधर हो जाता था तो दर्द होने लगता था। तो मतलब काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी, बट अब थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा आराम है। और अभी मैं आपको अपना पैर भी दिखाऊँगी कि पहले से मुझे थोड़ा लग रहा है कि मैं गाइस। तो ये रहा मेरा पैर, और ये पैर नहीं हो गया एक तरीके का पत्थर का, वो नहीं होते जो सीमेंट वगैरह से लोग बना देते हैं, ऐसे मेरा ये प्लास्टर बिल्कुल पत्थर का हो गया है। बहुत ज़्यादा मतलब देखिए, छू के देखिए कितना मतलब टाइट, बहुत है, बहुत टाइट हो गया है और काफ़ी मतलब न चिपक गया बिल्कुल करके, कुछ भी नहीं, हवा जा सकती ना कुछ जा सकता है, एकदम से बिल्कुल चिपका हुआ है ये देखिए पूरा। क्या बोलूँ, हंसी आती कभी कभी, इसको देख के भी हंसी आने लगती है। ये पैर हमारा ऐसा हो गया है। और वैसे तो आज मुझे ऐसा लग रहा है, मैं मम्मी को भी बोल रही थी, मम्मी आज मेरे पैर में थोड़ा मुझे आराम हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा पैर अब थोड़ा सा ठीक हो रहा है, और जो साइड वाले में पैर में दर्द होता था वो भी थोड़ा सा कुछ कम लग रहा है, क्योंकि शायद ये पक्का प्लास्टर चढ़ा है तो इसकी वजह से हो सकता है कि मेरे पैर में थोड़ा सा आराम मुझे मिलना स्टार्ट हो गया। और मैं मेडिसिन वगैरह भी लेती हूँ, दूध वगैरह भी ले लेती हूँ, पनीर वगैरह, तो मुझे लग रहा है कि मेरे पैर में आराम हो गया है। डॉक्टर ने मुझे दूध बताया था, पनीर बताया, अंडा वगैरह बताया था खाने के लिए, तो अंडा वगैरह मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ नॉन वेज नहीं खाया जाता है और अंडा भी नहीं खाया जाता है। तो मैंने फिर मतलब दूध और पनीर वगैरह यही सारी चीज़ें ले लेती हूँ, और खाने के फल फ्रूट भी ले लेती हूँ, खाना वगैरह यही सारी चीज़ें मैं खाती पीती रहती हूँ। तो हो सकता है इन सब चीज़ों से अब मेरे पैर में थोड़ा सा असर हो रहा है और काफ़ी पैर भी हद तक शायद ठीक होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अभी नहीं लग रहा था कि मेरा पैर थोड़ा ठीक है, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आज दर्द नहीं है। मतलब कुल मिला के एक चीज़ है कि मुझे आज दर्द कम हो रहा है। वैसे मुझे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिस दिन मैं प्लास्टर करवा के आई थी उस दिन भी मुझे बहुत दर्द हो रहा था, उसके 3-4 दिन तक भी मेरा पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। मेडिसिन दर्द की ले लेती क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दे रखी थी दर्द की, तो मैं मेडिसिन लेती थी दर्द की, तो दर्द ऐसे मेरा हल्का रहता था। जब मैं कभी सोचती थी यार नहीं अब मैं मेडिसिन के ऊपर ही होती जा रही हूँ, मेरा पैर मतलब खाऊंगी तो दर्द नहीं होता है, नहीं खाती हूँ तो मेरे पैर में दर्द होता है, तो मैंने इस चीज़ को भी फिर ख़त्म करने की कोशिश की और मैं दर्द को एक दिन छोड़कर एक दिन लेती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं दर्द को सहन करना सीखूँ, क्योंकि हो सकता है मैं दर्द की वजह से खा लेती हूँ और मुझे लगता है मैं आराम है ठीक है, मुझे पता ही नहीं चलता है क्या है, क्योंकि मुझे फिर दर्द होना बंद हो जाता था। फिर एक एक दिन का मैंने गैप देना शुरू किया, 2 दिन का गैप देना शुरू किया, लेकिन दर्द होता था, दर्द कंटिन्यू होता था, मुझे लगता था मैं पैर जैसे भी रख रही हूँ मुझे बराबर दर्द होता था। मम्मी के कहने से मैं दवाई ले लेती थी, पर अब मैंने वो भी नहीं लेती हूँ, लेकिन आज मैंने मेडिसिन नहीं ली है, मैंने कोई भी दवाई नहीं ली है, पर फिर भी मैं अपना पैर ऐसे भी कर सक लेती हूँ, वैसे भी कर ले रही हूँ, मतलब मेरा पैर जो है वो अब घूम रहा है ऐसे ऐसे करके, मतलब हो रहा है मूवमेंट कर रहा है ऐसे बिना दर्द के, बिना पेन के मेरा पैर जो है मूवमेंट कर रहा है, तो मुझे थोड़ा आज अच्छा सा फील हो रहा है और मुझे ऐसा फील होने लग रहा है कि अब मेरा पैर बहुत जल्दी ठीक होने वाला है और जल्दी जल्दी से मैं फिर से अपने पैरों पे खड़ी हो पाऊँगी, फिर से चल पाऊँगी। और आप लोगों की दुआएं हमेशा मेरे साथ रहेंगी, आप लोग भी मेरे लिए ज़रूर दुआएं करते होंगे और नहीं करते हैं तो करेंगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम होती है ना बॉडी की, वो खुद के हो या दूसरे के हो, पेन बराबर ही होता है। अगर हमारे हो रहा है तब भी हो रहा है, किसी दूसरे को वो दिक्कत है तो उसको भी होती है, तो हम लोग फिर यही सोचते हैं काश ये जल्दी से ठीक हो जाए। तो एक हमदर्दी जो होती है दिल में, एक होता है कि अरे
दर्द है, तकलीफ़ है, जल्दी ठीक हो जाए, इंसान आगे की तरफ जाना शुरू कर दे। ऐसे घर में बैठकर पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है, ऐसे बेड पे लेटे लेटे लेटे। तो थोड़ा चलना फिरना भी ज़रूरी होता है, और मैं यही सोचती हूँ कि काश मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। तो मैं चीज़ों को, दीदी यही बोलती है, चीज़ों को ध्यान देना बंद करो तो जल्दी दर्द कम होगा। तो शायद ऐसा ही हो रहा है कि मैं चीज़ों पर ध्यान कम दे रही हूँ, अब शायद मेरा पैर जल्दी से अब ठीक हो जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अभिलाषा ब्लॉग के साथ में बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।